नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, शिक्षा मित्रों के लिए संत राजूदास महाराज जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनका पूरा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों का कोई सटीक समाधान निकल सके जिससे उनका भविष्य भी उज्जवल बन सके। राजूदास महाराज जी के द्वारा शिक्षा मित्रों की समस्त समस्याओं को सामने रखा गया और उसके साथ साथ उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जगह जगह प्रयास भी किए जा रहे हैं और उनसे सभी शिक्षा मित्रों को ये भी उम्मीद जग रही है कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। संत राजूदास महाराज जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के अत्यंत करीबी यूपी बीजेपी के यशस्वी लोकप्रिय उपाध्यक्ष श्री एके शर्मा जी से प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु चर्चा की गई। इस न्यूज को अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं सभी के सामने हैं, यानी कि शिक्षा मित्र अल्प मानदेय में लगातार कार्य कर रहे हैं और इतने अल्प मानदेय में उन्हें अपना परिवार चलाना नामुमकिन सा हो गया है। यानी कि शिक्षा मित्र अब बिल्कुल ही इस कगार पर आ चुके हैं कि वो हर समस्याओं से समाधान पाने के लिए हर निश्चित प्रयास भी कर रहे हैं। इन्हीं प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संत राजूदास जी ने शिक्षा मित्रों का साथ हमेशा दिया और अब संत राजूदास महाराज जी ही शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आगे कदम भी उठा रहे हैं। उनके द्वारा उठाए गए कदमों से ही अब समस्त शिक्षा मित्र परिवारों को ये लगने लगा है कि जल्द ही शिक्षा मित्रों की समस्त समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए महाराज जी के द्वारा ही प्रधानमंत्री जी के अत्यंत करीबी यूपी बीजेपी के यशस्वी लोकप्रिय श्री एके शर्मा जी से मुलाकात की गई और उनसे शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु चर्चा भी की गई। आइए इनके द्वारा की गई पोस्ट को हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के अत्यंत करीब यूपी बीजेपी के यशस्वी लोकप्रिय श्री एके शर्मा जी से प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के सुरक्षित भविष्य हेतु चर्चा हुई। हनुमान जी की कृपा से श्री शर्मा जी ने जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। जय श्री राम। तो ये जो पूरी खबर है, ये संत राजूदास महाराज जी के द्वारा इनसे चर्चा की गई है शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, यानी कि शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए कुछ ऐसा समाधान निकालने की बात हो रही है जिससे उनका आगे आने वाली जिंदगी जो है वो सुखद बन सके। समस्त शिक्षा मित्र परिवार के द्वारा उनका धन्यवाद किया गया। इस संबंध में मैं आपको एक लेटर भी दिखा देता हूं जो उन्होंने वहां पे दिया है और इस लेटर में क्या लिखा हुआ है हम लोग आइए पढ़ लेते हैं। आप यहां पे देख रहे होंगे, महंत राजूदास जी, यशस्वी प्रदेश उपाध्यक्ष MLC श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, एके शर्मा जी, और इसमें लिखा है, बीजेपी 2017 के संकल्प पत्र में 21 वर्ष से प्राथमिक विद्यालयों में अल्प मानदेय पर अपना बहुमूल्य समय नौनिहालों को शिक्षा देने में लगा चुके 1.5 लाख गरीबी और आर्थिक स्थिति से पीड़ित वंचित शिक्षा मित्रों के सुरक्षित भविष्य के लिए संकल्प को पूरा करने के संबंध में, और इसमें पूरी डिटेल से बताया गया है कि किस तरीके से 20 वर्षों से शिक्षा मित्र विषम और परिस्थितियों में बेसिक शिक्षा में मासूम ननिहालों के भविष्य को उजागर कर रहे हैं जबकि उनका खुद का भविष्य जो है वो अंधकार में है। विकट आर्थिक संकट, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक अपार पीड़ा से जूझ रहे हैं और इनको जल्द से जल्द न्याय देना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने 3 पॉइंट भी इसमें मेंशन कर रखे हैं, केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार है इसलिए सबसे आसान कार्य है अध्यादेश लाकर समायोजन बहाल करना। नंबर 2 पर यदि सरकार कोर्ट के अधीन कार्य करना चाहती है तो 1,24,000 शिक्षा मित्रों को 2010 के पहले स्नातक हैं उन्हें NCTE ने टेट मुक्त किया है और वो सभी अपग्रेड पैरा की श्रेणी में आते हैं, उनको पैरा टीचर मानते हुए प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। या फिर नंबर 3, बाकी जो शिक्षा मित्र साथी बचे रहते हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार कैटेगरी बनाकर समायोजित कर वेतनमान निर्धारित कर दिया जाए। महोदय, विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, बहुत कम समय है, कृपया इन शिक्षा मित्रों का कल्याण इसी शासनकाल में करने का अतिशीघ्र कृपा करें जिससे शिक्षा मित्रों के साथ हम आने वाले समय में 2022 में आपके पुनः स्वागत की तैयारी भी करनी है। धन्यवाद, ढेर सारा साधुवाद, मुख्य नेतृत्वकर्ता श्री राजूदास महाराज, शिक्षा मित्र उद्धान मंच। तो ये पूरा लेटर भी वहां पर दिया गया है और जिसमें इन 3 पॉइंट पर मेन रूप से बात की गई है कि किस तरीके से शिक्षा मित्रों का समाधान निकाला जा सकता है।
तो ये बहुत अच्छी पहल है और लगातार श्री राजूदास महाराज जी के द्वारा, जो शिक्षा मित्र उत्थान मंच के अध्यक्ष नेतृत्व करता है, उनके द्वारा लगातार शिक्षा मित्रों के भविष्य को उजागर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। समस्त शिक्षा मित्र जो है उनको साधुवाद करते हैं और उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। इसी संबंध में मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाना चाहता हूं जो इसी ट्वीट करे हुए पे रिप्लाई की गई थी, जो शिक्षा मित्रों के द्वारा की गई। सबसे पहली जो है दीपक तिवारी, परम पूज्य महाराज जी, कहां कलयुग में कोई किसी का साथ नहीं देता है, खासकर हम शिक्षा मित्र की ओर से तो सबने आंखें बंद कर ली हैं। ऐसे में आप हमारे लिए किसी ईश्वरीय अवतार से कम नहीं है। हे प्रभु, हम असहाय गरीब शिक्षा मित्रों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रहें। हम सभी की ओर से आपको कोटि कोटि चरण वंदन। तो इस तरीके से समस्त शिक्षा मित्र जो है वो लगातार शिक्षा मित्रों के जो जितने भी ग्रुप हैं और शिक्षा मित्र जितने भी साथी हैं वो महाराज जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी में आगे एक और ट्वीट देखते हैं, सुमन चौहान जी की ये ट्वीट है। इन्होंने लिखा है, महाराज जी अब सरकार के कर कमलों से शिक्षा मित्रों की नैया पार लगाइए। करबंधित निवेदन, महाराज जी अब और विलंब ना कीजिए, शीघ्र भविष्य सुरक्षित हेतु घोषणा करवा दीजिए। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद, जय श्री राम। तो सुमन चौहान जी ने भी महाराज जी का धन्यवाद किया है, उनको साधुवाद किया है कि शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुधारने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रवीण दीक्षित जी ने लिखा है, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसो नहीं जात है टारो, बेगही हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। तो ये एक हनुमान जी के इस चार दो पंक्तियों के थ्रू उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ऐसा शिक्षा मित्र को कौन सा संकट है जो हरा नहीं जा रहा है, और जल्द से जल्द संकट जो है शिक्षा मित्रों के ऊपर जो छाया हुआ है उसको हर के शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाइए। इसके साथ मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं जो रुपेंद्र सिंह की है। महाराज जी आपकी शिक्षा मित्रों के प्रति लगन व अथक प्रयासों से लगने लगा है कि हम लोगों के जीवन में भी खुशियां आने वाली है। निसंदेह आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे वादा करता हूं शिक्षा मित्रों के उद्धान के बाद सबसे पहले बाराबंकी जनपद आपके स्वागत सम्मान में अग्रणी रहेगा। रुपेंद्र जी के द्वारा बहुत अच्छी बात कही गई और समस्त शिक्षा मित्र परिवार के मन में अब एक आश जगने लगी है। महाराज जी के द्वारा ही जिस तरीके का प्रयास किया जा रहा है उसी के द्वारा शिक्षा मित्रों का समाधान यानी कि उनका भी उद्धार किया जा सकता है। एक और आपको यहाँ पे ट्वीट दिखाऊंगा जो महेंद्र यादव की है। हे शिक्षा मित्रों के तारणहार संत शिरोमणि महंत हनुमानगढ़ी अयोध्या, महाराज जी आप की सदा जय हो। शिक्षा मित्र परिवारों के दुखों को आत्मीयता से समझने और हम सबका मान सम्मान वापस दिलाने के लिए जो आप संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षा मित्र एवं उनका परिवार सदैव आपका आभारी रहेगा। तो मैं आपको बताऊं कि राजूदास महाराज जी के द्वारा जिस तरीके से शिक्षा मित्रों के उद्धार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उसी के संबंध में समस्त शिक्षा मित्र परिवार उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और तहे दिल से उनको साधुवाद भी करता है। और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का जल्द से जल्द हल होना चाहिए। उनको बहुत लंबा समय हो चुका है, वो अपनी जिंदगी के बहुत ही कीमती समय शिक्षा विभाग को दे चुके हैं और अब वक्त है कि उनको उनका सम्मान जो है वो वापस मिलना चाहिए। शिक्षा मित्रों से संबंधित और जो भी अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।